इस क्वेश्चन में हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेए वैल्यू फॉर ऑर्थोमेटान पैराक्रिसोल्स। हम देखते हैं पीकेए वैल्यू फॉर एन एसिड बराबर होता है पीएच के, ठीक है। पीएच तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिक कैरेक्टर के, एसिडिक कैरेक्टर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पीएच के, यानी कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा पीकेए के भी, यानी कि आपका जिस कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका पीकेए वैल्यू कम होगा। इसी प्रिंसिपल को यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम पहले स्ट्रक्चर देखते हैं ऑर्थोमेटा और पैराक्रिसोल के, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ऑर्थो, ठीक है। फिर ये आ गया आपका मेटा, और लास्ट में आ गया ये आपका पारा, ठीक है। अब हम देखते हैं पहले इनमें से एसिडिक कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा है। आप अगर देखें तो इसमें CH3 है, आपका CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है दिखाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दिखाएगा। किस किस इफेक्ट से ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दिखाएगा? प्लस आई से और हाइपर कॉन्जुगेशन से, यानी कि ये जो है इट डिक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। अब हम देखते हैं इन तीनों में से किसका कितना एसिडिक कैरेक्टर होगा। हम देखेंगे CH3 अपना कौन कौन सा इफेक्ट हर एक जो ग्रुप में है वो दिखाएगा। अब अगर ऑर्थोक्रिसोल की बात करें तो इसमें CH3 अपने दोनों इफेक्ट्स दिखाता है, प्लस आई भी और हाइपर कॉन्जुगेशन भी, यानी कि इसमें एसिडिक कैरेक्टर बहुत कम हो जाएगा। मेटा में आप देखें तो इसमें जो है CH3 अपना सिर्फ प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, यानी कि यहाँ मॉडरेटली कम हो जाएगा एसिडिक कैरेक्टर। और पैरा में भी जो CH3 है वो प्लस आई इफेक्ट भी दिखाता है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखाता है, यानी कि यहाँ पर भी सीवियरली डिक्रीज होगा एसिडिक कैरेक्टर। अब बिटवीन पैरा एंड ऑर्थो किसका ज्यादा कम होगा एसिडिक कैरेक्टर? अगर हम ऑर्थो में बात करें तो आपका CH3 यहाँ नजदीक है OH के, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा अच्छे से एस्टैब्लिश कर पाएगा, यानी कि इसमें एसिडिक कैरेक्टर और भी कम हो जाएगा, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो है वो अच्छे से एस्टैब्लिश कर पाएगा OH पे। और पैरा में अगर आप देखें तो इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो CH3 अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट उतनी अच्छी तरह से नहीं इन्फ्लुएंस कर पाएगा OH पे, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो ऑर्थो से ज्यादा ही रहेगा। यानी अगर आप एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे ज्यादा तो मेटा में है, फिर पैरा में और फिर ऑर्थो में। अब एसिडिक कैरेक्टर आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पीकेए के, तो अगर आप पीकेए का ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे ज्यादा आपका ऑर्थो में होगा, फिर पारा में और फिर मेटा में, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका पीकेए का ऑर्डर हो जाएगा।